नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल गादीपुर हरकेश बाईपास कप्तानगंज आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। आजमगढ़ जिले में एक भाई अपने भाई को बचाने के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। भाई को डर है कि कहीं उसके भाई का पुलिस इनकाउंटर न कर दे, और दो दिन पूर्व पुलिस ने उसके भाई को एक सरिया लूटकांड में उठाया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, मानवाधिकार सहित कई लोगों को भाई द्वारा फैक्स किया गया है। मामला आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के कारी सात गांव का है, जहां के निवासी पिंटू यादव को 20 जुलाई को अतरौलिया थाने की पुलिस उठाकर ले गई। पिंटू के भाई संतोष का आरोप है कि उसके भाई को अतरौलिया थाने की पुलिस फूलपुर, सरायमीर और अन्य थानों पर लेकर घुमा रही है, और उन्हें डर है कि पुलिस द्वारा उनके भाई का कहीं एनकाउंटर न कर दिया जाए। संतोष का कहना है कि सरिया लूटकांड में उनके भाई को उठाया गया है, अगर वो दोषी है तो जो भी सजा है उसे मिलनी चाहिए, लेकिन उसका एनकाउंटर पुलिस द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने महामहिम राज्यपाल, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मानवाधिकार सहित कई संगठनों को फैक्स भेजा है। और मेरे भाई को, पिंटू यादव को, घर से उठाया गया और वहाँ से उठा के ले गए अतरौलिया थाना, अतरौलिया थाना से सरायमीर, सरायमीर से फूलपुर, फूलपुर से फिर अतरौलिया थाना। ये लोग वहाँ ले आके इनकाउंटर करना चाहते हैं। हमारे भाई को इनकाउंटर होना नहीं चाहिए। किस मामला क्या है? उसमें घर से उठाए और ले गए फूलपुर और अतरौलिया। अतरौलिया आने के बाद वहाँ बोल रहे हैं सरिया को लूट में उनको लगा रहे हैं। 32 लाख का सरिया लूटा गया। हाँ, 32 लाख सरिया, 32 लाख लगा रहे हैं लोग उनको, लेकिन घर से उठाए हैं लोग उनको। क्या लगा रहे हैं? कि लूट किया हो, पिंटू लूट किया है उसको, ट्रक लूट लिया है और उनको घुमाया जा रहा पूरे थाने पर। अभी है, कोई उनका है, दो लोग का उनके साथ में एक पकड़ के उनको चालान कर दिया, बोले कि ये भी इसके साथ में है। ये नहीं पहले, हाँ एक बार का है। किस घटना में गया था? एक बार गया था। आप काम कर रहा था वहाँ पे? काम कर रहा था वहाँ, अपना सुपरवाइजर कोई काम लगाए थे वहाँ कर रहा था, तो उसके बाद उसको जमाना उनको करने के लिए लेके आया था, हाजिर कराने के लिए। तब तक उनको घर से उठा लिए, जान गए लोग घर आ गया है, उनको उठा लिए, पुलिस वाले उठा लिए, अतरौलिया लेके आए, अतरौलिया से सरायमीर, सरायमीर से फूलपुर, फूलपुर से फिर अतरौलिया। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारे भाई को इनकाउंटर न हो, जो सजा हो उनको सजा दिया जाए और उनको जेल भेजा जाए। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।